subscribe and press the bell icon for more updates. सत्या मिर्ची के पकौड़े तू खा रहा है और आंसू भाभी के निकल रहे हैं। ये देख सी लाइफ में पहली बार जो जो मेरी मॉम है कली उनके हाथ से खाना खा रहा हूँ और हर इंसान ऐसा चाहता है कि उसकी माँ उसको अपने हाथ से खाना खिलाए। तो ये 22-23 साल का जो सत्या है 24 साल का उस पूरी जर्नी के अंदर पहली बार उसकी माँ उसको पकौड़े खिला रही तो आप कैसी फील आ सकती है तो आप आई थिंक जिसके साथ हुआ होगा ऐसा वो समझ सकते हैं बिकॉज मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी तो 2-3 साल वो हॉस्पिटल में ही थी तो मैं बहुत छोटा था तो मैं बस वेट करता था कि वो मुझे कब अपने हाथ से खाना खिलाएं। फिर वो ठीक भी हुई तो 4-5 साल और बीत गए ऐसे तो बस एक वो मेमोरी थी आज जो मुझे सीन करते हुए याद आ गई कि यार इसको मुझे इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ तो ऑलरेडी ऐसी मेमोरी है तो बस वही याद कर रहा था और वो कल ही बैठी थी बट मुझे अपनी मॉम दिखाई दे रही थी और मैं बस वही सोच रहा था कि मेरी माँ का ये हाथ है उससे पकौड़ा आ रहा मैं खा रहा हूँ जी। वो जो मेरी फूई है वो हमारा एक चैलेंज लगा था कि फूई के साथ खाना है और आगे क्या होने वाला है ये कभी भी एक्टर को नहीं पता होता इतना ज़्यादा वो एक दो चीज़ें बता सकता है बट बिकॉज हमारे टीवी इंडस्ट्री में हर रोज़ चीज़ें नई नई होती हैं हर रोज़ हमारे पास कंपटीशन होता है कि हर रोज़ हमें और अच्छी चीज़ें करनी है और अच्छी बेस्ट से बेस्ट बेस्ट से बेस्ट तो वी डोंट नो पर्सनली और आई थिंक पूछना भी नहीं चाहिए इससे कि क्या होने वाला है। यस हाँ यस यस कॉम्पिटिशन में इफ यू आस्किंग कि तो ओके तो कॉम्पिटिशन इज़ लाइक मैं तो चाहता हूँ फूई जीत जाए ऐसे कॉम्पिटिशन हर चीज़ में फूई जीते और मेरी जो मॉम है उनसे मेरी ठीक हो जाए बट वो हो नहीं सकती बिकॉज मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ बिकॉज इतने टाइम तक उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया चाहे जो भी रीज़न था कि उनके पेशेंस थे या कोई भी चीज़ें थी बट एक बच्चा जो होता है अपनी माँ से वही एक्सपेक्ट करता है कि उसे टाइम दे उसके साथ रहे तो वो आई थिंक सत्या के साथ हो नहीं पाया चाहे वो जो भी रीज़न थे तो सत्या बहुत गुस्सा अपनी माँ से। इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिशन इट्स जस्ट लाइक पहली बात तो वो चाहता ही नहीं था बट अगर फूई के साथ कॉम्पिटिशन है और फूई से जो बहुत प्यार करता है बिकॉज एक तो फूई है ऊपर से उनके साथ इतना बुरा हुआ और बचपन से मतलब अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करता था कि अगर माँ के बारे में भी अगर उसे कोई बात बुरी लगती थी कि यार माँ मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती तो फूई के सामने बोलता था फूई कुछ नहीं समझती थी बट सारी फीलिंग्स वो अपनी फूई को बताता था तो एक होता ना कि एक इंसान को बच्चों से बहुत प्यार होता है तो यस सत्या को अपनी फूई से बहुत प्यार है बिकॉज उसके लिए वो छोटा सा बच्चा है जिसको वो सब बोल सकता है डांटता भी है डांट खाता भी है सो दैट्स व्हाट।